बाबा शेख फरीद ने अपनी मां नूं कहा, मां ने हिम्मत दे दित्ती। बाबा शेख फरीद कहिंदे, मां जोबन जांदे ना डरां, जे सह प्रीत ना जाए, फरीदा कित्ती जोबन कंत स्यों सुख गए कुमलाए। हुण इत्थे इक निक्का जिहा सुनेहा दे, जदों रात हो जांदी है ना, 8 बज जांदे ने, आपां भोजन कर लैंदे आ 9:30 बजे तक, पर मेरी बच्चिया नूं इक बेनती है, जिहड़े छोटे बच्चे ने बैठे ने, जिहड़े जवान साडे बच्चे ने, जिहड़े अपने मां प्यो दे कोल रहिंदे ने, जिन्हां दा हजे तक विआह होया नहीं, वो बच्चे जिहड़े अपने बेबे बापू कोले रहिंदे ने, रात नूं इक आदत पा लो कि 8 बजे तो बाद रोटी पानी खा के टीवी दे सराणे नहीं बहना, बेबे बापू कोले बहना। यारी संगत, मैं प्रैक्टिकल गल्ला कर रहा, कुछ मेरी गल्ला तां ध्यान देना। असी जदों दीवान ला के लंघदे हुंदे ना पिंडां विच दी, कदे कदे निके निके दृश्य वेख के ना बड़ी तकलीफ हुंदी है, पर कर नहीं कुछ सकदे कि कई मोड़ां दे उत्ते 15-15, 20-20 मुंडे कट्ठे बैठे हुंदे। अखां वेखियां गल्लां ने कि उह 15-20 मुंडे इकट्ठे बैठे ने, सारे मुंडियां दे हत्थ विच मोबाइल है, कोई मुंडा किसी नाल गल नहीं कर रहा, ते उह कीमती समां व्यर्थ गवाया जा रहा। बाबा शेख फरीद जिहड़े ने, इन्हां नूं जिहड़ी जाग ते जिहड़ी लगन लगी है, उह साइंस ने नहीं लाई है, इन्हां नूं जिहड़ी लगन लाई है वह लगन संसार दे किसी डिवाइस ने, किसी साधन ने नहीं लाई है, इन्हां नूं लगन इन्हां दी मां ने लाई है। वह भी क्यों लगी? क्योंकि मां कोले बहण दी आदत। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अच्छा, मैं एक गल कहां, दुनिया ते किन्ने भगत होए, पर एक भगत ऐसा है जिस भगत दा कोई भी विरोध नहीं करता। दुनिया के भगत कबीर साहब आए, उन्होंने जमाने च कितना विरोध हुंदा सी, भगत रविदास आए, उन्होंने समय च कितना विरोध हुंदा सी, भगत धन्ना जी आए, उन्होंने ठगण वाले कितने सन, सतगुरु नानक देव जी महाराज आए, कोई कहे भूतना कोई बेताला, कितना कुछ कहिंदे सन। पर एक भगत, एक भगत दुनिया से ऐसा होया जिहदा कोई विरोधी नहीं सी, उस भगत का नाम सी सरवण भगत। उस सरवण भगत का किसी ने कदे कोई विरोध नहीं किया, ते अज भी मावां जिहड़ियां ने, अज भी मावां जे रब नूं हथ बन के कुछ मंगदियां, ते रब्बा ऐसा पुत्तर दई सरवण भगत वर्गा। मैं फिर कह देवां, मेरी गल नूं समझणा जरा ध्यान नाल, जिहड़े साडे बेबे बापू ने ना जी, ते तुरे फिरदे 18 पुराण ने। अच्छा, तुसी जिन्ने बैठे हो किसी ने 18 पुराण कट्ठे वेखे है? आपां सुणिया ही है। और कट्ठे वेख भी लो, इकट्ठे वेख भी लो, तो सारी जिंदगी लंघ जाएगी, लेकिन पढ़े नहीं जाने। जिहड़े साडे बजुर्ग ने, माता पिता ने, कि तुरे फिरदे 18 पुराण ने, प्यारी संगत जिन्हों ज्ञान चाहिए ते जिंदगी च पहचान चाहिए है, सिर्फ एक कोई काम करे कि अपने बेबे बापू दे कोल बहना शुरू करे, ते रात नूं जदों उन्हां कोले बहना है, फिर वह जो गल्लां कहिंदे ने वह मनणियां शुरू करो। आखो सतनाम। और जिहड़ा बंदा इह कर लैंदा, देखो अज दा ट्रेंड चेंज हो गया ना जी, समां बदल गया है। मैं समय नूं कुछ नहीं कह सकता, मैं दोष नहीं दिंदा किसे नूं, पर मैनूं लगता है अजकल ट्रेंड आ गया कि आपां बच्चियां नूं किधर भेजी जांदे आ। तुसीं किसे नूं पुछ लो, हर हर बंदा बस इक्को ही ध्यान च लग्गिया होया, कित्थे जाणा है? कनेडा जाणा है। पर मैं कदे कदे सोचदा हुंदा कि कनेडा दे विच जाण वाले जिहड़े बच्चे ने, जिहड़े रहिंदे ने, उहनां नूं डालर तां मिल जाणगे, पर बेबे बापू वाला निग कित्थों लभेगा? मावां दीआं बुकलां ते मावां दे कोले बह के जिहड़ा प्यार ते दुलार है, वह कित्थों लभेगा? प्यारी साध संगत, कदे कदे निक्कियां निक्कियां गल्लां ना बड़ियां दिल नूं छू जांदियां।
कदे कदे तो एहो जे हालात वेखण नूं मिलदे ने कि बहुत सोहना मकान बनिया होया, बड़ी वड्डी कोठी बनी हुई है, ते उहदे उहदे बाहर ना मंजे ते इक बेबे बैठी है कल्ली। और बेबे कल्ली कौन है कि जिहदा इकलौता पुत्तर, इक्को ही पुत्त जिहदा विदेश विच गया होया, इक्को ही पुत्त सी ते इक्को ही पुत्त बाहर फिरदा है। ते किसे कवि ने ना कविता लिखी कि उस बेबे दे कोले उहदी इक गुआंढण आई है शाम दा वेला, ते शाम दे वेले उहदे कोले आके बैठी ते उस बेबे नूं कहिंदी भैणे की हाल है, बह गईआं दोने भैणे ठीक है। ते उहने अगली गल कह दित्ती तेरे पुत्त दा की हाल है। ते उत्थे कवि ने एक छोटी जी कविता लिखी, कहिंदा झूठे हासे हसदी है बई, मां लोकां नूं दसदी है, क्योंकि दुनिया दे उत्ते दुख लुको के जे हसना किसे नूं आउंदा है ते किहनूं आउंदा है, बेबे नूं। ओह दुख लुको लैंदी है ते हसदी है, जदों रोण दा वेला आउंदा कल्ली बह के रो लैंदी है, पर अपने बच्चिआं नूं कदे अपना दुख दसदी नहीं, क्यों कि मेरे बच्चे ना दुखी हो जाण। ਤਾਂ ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕੁੱਲੀ ਢਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਏ, ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ, ਪਿਓ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ। ਤੋ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੰਝੂ ਟੈ ਪਏ, ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਬਹਿ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀਂਦੀ ਆ ਅੜੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਕਮਾਈਆਂ ਅੜੀਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੜੀਏ, ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ।